तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच तो गए, पर ये मछली बनी हुई है और सामने समंदर है। अच्छा ये दोनों मुझे मिल गए, ये सामने खड़े हैं। ओ भाई कितनी देर में हम लोग पहुँचे, टाइम देखो 34 में हम निकले थे साबिर, 20 मिनट में भाई 20 मिनट में हम लोग पहुँचे हैं। मनोड़ा का रास्ता है। अच्छा ये यहाँ के रेत है, वैसे ही हमें रश वाली जगह इतनी अच्छी नहीं लगती। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वज़ीर अहमद और कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम साइकिलों पे जा रहे हैं सेंट स्पीस बीच, तो साबिर और मूसा भी मेरे साथ है, साइकिलें हमारे पास दो हैं और हम बंदे तीन हैं, तो वो डबल में जा रहे हैं, मैं सिंगल में जा रहा हूँ। तो मेरे पास तो साइकिल है ही नहीं, उनकी साइकिलें थी, मैं साबिर की साइकिल चला रहा हूँ और वो दोनों मूसा की साइकिल में जा रहे हैं। तो अभी हमने आधा रास्ता तो क्रॉस कर लिया है, बाकी आधा रहता है वो क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच तो गए हैं, ये यहाँ का थोड़ा नज़ारा है, ऊपर ये मछली बनी हुई है और सामने समंदर है। ये यहाँ से हम लोग आए हैं, साबिर वाले मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, अभी उनके पास चलते हैं। अभी इस रोड से सीधा जाना है, मुझे तो उन्होंने यही बोला था आगे बेंच रखे हुए होते हैं, वहाँ पर जाके हम लोग बैठेंगे थोड़ी देर, समंदर का नज़ारा खींचेंगे। ये भाई लोग वीडियो में आना चाह रहे थे। सही है, यहाँ का थोड़ा नज़ारा है, एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ, साबिर ने अच्छी डेकोरेशन की हुई है साइकिल की, हारन वारन सब कुछ है, यहाँ की रेत है, बाइकों का आना जाना जारी है, सामने जंगल है थोड़ा। और ये यहाँ का थोड़ा नज़ारा है, आगे चलते हैं, शायद वो सामने मुझे मिलेंगे ये लोग। और ये सारी पार्किंग है, पार्किंग एरिया है, पहले ये सब कुछ यहाँ नहीं होता था, ये अभी बना है, दो चार साल हुए हैं। और ये लाइनों से वॉशरूम बने हुए हैं, अच्छा ये दोनों मुझे मिल गए, ये सामने खड़े हैं वीडियो बना रहे हैं। ओ भाई कहाँ आप चले गए थे यार, आखिर मेरा भी मेरी को भी वीडियो बनानी थी, तुम लोग तो निकल गए, मैंने बोला था रोड पे रुकना है। जनाब कैसे हैं आप लोग, हाँ वीडियो आधे रास्ते में रुक के मैंने थोड़ी सी बनाई थी। और ये यहाँ का थोड़ा नज़ारा है, काफ़ी बेस्ट व्यू है, कोई मज़ा आ रहा है। कितनी देर में हम लोग पहुँचे हैं, टाइम देखो 34 में हम निकले थे साबिर, 20 मिनट में भाई 20 मिनट में हम लोग पहुँचे हैं। अभी पता नहीं कितने किलोमीटर का रास्ता होगा, अगर मनोड़ा का रास्ता है, ये सामने मनोड़ा का रोड जा रहा है। और ये मूसा भाई की साइकिल खड़ी है, और मैं एक बीच में रास्ते में रेसर भी मिला। अच्छा मिला था, नहीं मिला, नहीं ना, हम लोगों ने बात भी की। अच्छा क्या बोला, इंटरव्यू भी दिया आपके सामने जा रहे हैं, अच्छा अच्छा ये साबिर की, ये मूसा की साइकिल है
और ये रेड कलर की साबिर की साइकिल है भाई। माशाल्लाह इन लोगों ने अच्छा डेकोरेशन किया हुआ भाई। साबिर भाई आपने हारन वारन सब कुछ लगाया हुआ, लाइटें वाइटें लगाई हुई हैं भाई? लाइट वाला एक ही बात है, एक ही बात है, डेकोरेशन नहीं है, ये एक ही चीज़ लगाई है बस। पर ये काम की चीज़ है ना। हेलमेट लिया है? हेलमेट नहीं लिया इस भाई ने, इसने लिया लेकिन पहन के नहीं। सही बात है भाई। ये भाई इनकी साइकिलें थी मूसा की, ये दोनों इस साइकिल पर आए हैं डबल में, मैं उस साइकिल में आया हूँ सिंगल में, क्योंकि मैं साइकिल इतनी नहीं चला था, मेरे पास साइकिल है भी नहीं। काला धागा बांधा हुआ। अच्छा ये धागा इन लोगों ने बांधा हुआ है ये भाई ने मूसा ने, इससे नज़र ना लगे इसलिए। भाई क्या कहना चाहते हो, इसीलिए बांधा है कोई और वजह थी? सच्ची सच्ची बताएं। वजह यही है, एक्सीडेंट भी हुआ था भाई का, एक्सीडेंट भी हुआ था। हाँ वो साइकिल कहीं भी ले गया, थोड़ा लाउडली बोलो। क्या बोलना चाहते हैं? तो यही कहना चाहूंगा इनकी तो अल्लाह से दुआ कर लो। बेशक बेशक है। तो समंदर में भी साइकिल चलाएंगे, समंदर का नीचे हुआ तो अच्छा साइकिलें वहाँ भी चली जाती है। हाँ ये सामने समंदर, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अंदर, यहाँ से जाएंगे आगे से, यहीं से जाएंगे सामने समंदर जाएंगे, रास्ता है तो यहाँ से समंदर जाएंगे और समंदर आपको दिखा देता हूँ और अंदर जाके वहाँ का व्यू करवा देता हूँ। और ये साबिर भाई वालों का चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें भाई। चैनल का नाम बता दें, गराज तफरी व्लॉग। गराज तफरी व्लॉग, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, कायदाबाद वाली। और इससे पहले भी हम लोगों ने 3-4 वीडियो बनाई हैं एक साथ, तो वो आप खुद ही चेक कर लेना। तो चलते हैं हम आगे। अच्छा ये यहाँ की रेत है और हम लोग समंदर जा रहे हैं, सामने समंदर है। और ये हमारी लैंड क्रूज़र साबिर के हाथ में, फॉर्च्यूनर मूसा के हाथ में, और मैं सिर्फ कैमरा पकड़ के जा रहा हूँ। कैंप पे यहाँ लगाई हुई हैं तंबू वंबू लगाए हुए हैं, ज़्यादा रश नहीं है, तो गर्मियों का सीज़न भी नहीं है अभी, तो इसलिए इतना रश नहीं है, वरना यहाँ पर दुनिया होती है। वैसे ही हमें रश वाली जगह इतनी अच्छी नहीं लगती, तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, अभी हम आए हैं यहाँ पर, तो अभी जा रहे हैं। नहाने वाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बस आए थे हम घूमने चक्कर लगाने के लिए, और चक्कर लगाएंगे, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, फिर वापसी चले जाएंगे, वापसी का भी आपको नज़ारा करवाएंगे। तो यही था भाई, अभी आगे जा रहे हैं, साबिर हमारे सामने जा रहा है, ये साबिर जा रहा है, समुंदर का नज़ारा है। ये मूसा भाई है, मूसा भाई क्या हुआ, उदास उदास हो आप? उदास क्यों हो? आ जा। हाँ पानी तो इस बार बहुत उतरा हुआ है, शांत नहीं, हिंदी नहीं बोलो, ठंडा होता है आराम से, मतलब पानी का इतना बहाव तेज़ नहीं होता। अच्छा ये भाई क्या बोल रहे हैं मूसा, बोले सर्दियों में पानी शांत होता है? हाँ शांत होता है। हाँ लैंड क्रूज़र साबिर के हाथ में और ये मूसा के हाथ में फॉर्च्यूनर है, और ये एक जनाब उल्टे लेटे हुए भाई। ये नज़ारा है समंदर का, मैं एक मरतबा फिर से नाम आपको बता देता हूँ, सेंट स्पीड इस बीच का नाम है। और अगर आप कराची से अंदर से आ रहे हो कायद आज़म ट्रक स्टैंड की सीधे सीधे रोड आप आओगे, सीधा आओगे सामने से रोड, सीधे हाथ पे जा रहा होगा एक, सीधा ही सीधा जा रहा होगा, आप सीधे हाथ पे अगर जाओगे तो हॉक्स भी आता है, और सीधा जाओगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे सेंट्स भी। तो भाई यही था, अभी चक्कर वक्कर लगा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा अभी तक ये लोग फैसला कर रहे हैं कि हम लोग वीडियो बनाओ भाई, मूसा को बोल रहे हैं साबिर, मूसा को बोल रहे हैं, मूसा साबिर को बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग वीडियो बनाओ, अगर तुम लोग को बनानी है तो। नहीं हम अपना काम नहीं करते भाई, हम आपका काम करते हैं। अच्छा तो ये पीछे का नज़ारा है, समुंदर है,
जाओ जाओ भाई, इंजॉय करो इनको। हाँ वजीर भाई, पानी ठंडा है गर्म है? इतना ठंडा भी नहीं है भाई, ठंडा नहीं है। अच्छा अभी सर है कि हम तैरने नहीं आए, तैरने आए, तैरने का इरादा है। तो आपका इरादा है तैरने का? ये इसको मौका चाहिए। नहीं मेरा मूड नहीं है यार। आप भाई तो बस आपको अभी ठंडा लग रहा है। फिर ठंड लगती है ऐसे नहीं लगती। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक पानी आता है खैर है, यहाँ तक पानी आता है ना ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है जैसे। और ये देखो मेरा गुलाब का फूल है। ओ, ये आप ये साबित मुझे दोगे कैसे? आप जाओगे पानी में? क्यों? अच्छा यही था भाई, वहाँ पे सामने लोग हैं। साबिर भाई अभी इस सीज़न में इतने लोग नहीं होते ना? हाँ अभी सर्दी, हाँ लोग तो अभी काफ़ी, लेकिन यहाँ पे कितना रश होता है ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। पूरी जगह भरी हुई होती और हम ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ लोग ना हो, लोग बहुत कम हो, तो हम वहाँ नहाने की कोशिश करते हैं। ऐसी जगह हम नहीं नहाते जहाँ पे ज़्यादा रश हो, ज़्यादा लोग हो, वहाँ मज़ा भी नहीं आता। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हमें तो हर किसी का अलग अलग अपने अपने मिजाज होते हैं। जी बिल्कुल, तो वो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हम लोग ऐसी जगहों पे ही जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। क्या जेलीफिश ये? अच्छा कोई बता सकता है ये क्या है? अच्छा तो अभी हम चलते चलते यहाँ आए हैं, एक बेंच पे बैठे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेंच पे हम लोग बैठे हैं और पीछे थोड़ा सा जंगल जैसा वो है, पीछे पानी भी है लेकिन इतना वो नहीं है, समुंदर बिल्कुल हमारे फ्रंट में है। और ये इनका मुंह लटका हुआ है। भाई क्या हुआ, थक गए क्या तुम लोग? थका तो मैं हूँ, मैं कभी साइकिल चलाता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग थके हुए लगते हो। तो ऐसे भी ठंड है, कौन सी गर्मी है? अच्छा धूप लगती है ठंड में ज़्यादा, जब ठंड पड़ती है तब तो आप धूप को ढूंढते हो? तो ये हमारी साइकिलें खड़ी हैं और ये सामने का नज़ारा है। तो यही था, तो वीडियो मुझे भी एंड करनी चाहिए, तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साबिर का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। गराज तफरी व्लॉग्स के नाम से चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक मरतबा फिर बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।